हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू शालनी डी एट क्लासेस हो यू ऑल आई थिंक टू गुड होंगे आप सब और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे राइट right? आज की जो ये क्लास है जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि नोइंग फैक्ट है जहाँ पे आपको कुछ जानने को मिलेगा इंटर्नशिप डी एल एक फॉर्मेट है वो हमें मिला है हमें उनमें नंबर कैसे लेने हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि मैम ये चीज़ कैसे होगी इसको क्लैरिफाई कर दीजिए तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दो ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहला डाउट है कि इंटर्नशिप के दौरान क्या करना है कैसे करना है कब तक करना है दूसरा है क्या कोई चार्ज लग रहा है टीचिंग लेटर में तीसरा है इंटर्नशिप के दौरान प्राथमिक विद्यालय से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है क्या जरूरी है इन सब चीज़ों के बारे में तीन डाउट बहुत मोटे मोटे थे जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि सबकी टीचिंग लगने ही वाली है आधे बच्चों की लग गई है बहुत सारी जगह पे लगभग लग चुकी है और जिसकी नहीं भी लगी चिंता मत करिए आपकी मार्च सेकेंड वीक तक हर हाल में हर जगह सभी बच्चों की टीचिंग लग जाएगी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए सबकी टीचिंग एक साथ शुरू होगी लगभग एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे खत्म होगी एग्जाम आपके सबके एक ही दिन होंगे इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए कि इनकी लग गई इनकी नहीं लगी ऐसा कुछ नहीं सबकी टाइम पे अच्छे से लग जाएगी सारा प्रोसेस होता है बिल्कुल भी, भी। ना टीचिंग हुई आपका एग्जाम कभी नहीं होगा और एग्जाम जब भी होगा सबका साथ में होगा इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत चलिए देखते हैं आज हम आज, आज आप यहाँ पे शालनी डेट क्लास के साथ जुड़े हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी चलिए देखते हैं पहले पहला पॉइंट क्या है आज का इंटर्नशिप के दौरान क्या करना है कैसे करना है कब तक करना है ये टॉपिक बहुत छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे कर सकते हैं देखो बच्चों में रियल बात बताऊं तो बहुत सारे लोग जुगाड़ू टाइप के होते हैं वो क्या करेंगे लेटर लेंगे अपना जाएंगे उनकी पहचान के उनके चाचा ताऊ मामा मावसी का स्कूल रहता है वो वहाँ पे जाके अपना लेटर जमा करवा दे बहुत सारे बच्चे जाते भी नहीं हैं और फिर उन्हीं को दे देते हैं वहाँ पर नाम हो जाता है वहाँ पर रहता है और प्रिंसिपल से मिल उनकी साइन वाइन हो जाती है इस तरह का वो काम करते हैं और इंटर्नशिप फ़ाइल और ये जितनी फाइल होती है वो सब कुछ बनाते भी नहीं है वो जाके उसके बदले अपने कॉलेज में पैसा जमा कर देते हैं ये भी एक गंदा तरीका है जो होता है लेकिन ठीक है भाई अब नहीं कर सकते प्रोसेस होता है बहुत सारे कॉलेज में आप देखने को मिलेगा बी एड सब जगह ये होता है तो एक तो तरीका ये है तो बहुत सारे बच्चे इसको अपनाते हैं और एक तरीका ये है कि आप प्रॉपर वे से रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करते हैं एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो बच्चे ये जुगाड़ वाला रास्ता ढूंढते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं ना वो लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं हाँ ये ठीक है कि आपको ये काम नहीं आएगा लेकिन अगर आप डी एल एड कर रहे हो बी टी सी कर रहे हैं या बी टी बी एड कर रहे हैं तो कम से कम आपको पूरा प्रोसेस तो पता हो मैं कहती हूँ आप एक सेमेस्टर में सब कुछ अच्छे से कर लो आगे वगैरह अगर आप कुछ जुगाड़ ढूंढते हो कोई बात नहीं करना चाहते हो बात की बात है लेकिन कम से कम आपको पता तो होना चाहिए आप उस चीज़ की कर रहे हो तो पूरी जानकारी तो रखो कोई पूछे तो कम से कम आप बता तो सको नहीं तो आपकी क्या मतलब रह जाएगा आपका डी करने का बी करने का बी करने का कुछ नहीं है तो आपको नॉलेज ही नहीं है तो यही होगा ना अरे कुछ नहीं पैसा लगा के कर लिया तो एक तो आपको ये टैग मिल जाएगा अगर ये टैग लेना हो तो आप जुगाड़ ढूंढ लो और दूसरी बात अगर नहीं करना है तो टीचिंग लेटर आपका मिलेगा आपकी कॉलेज की तरफ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपकी टीचिंग लग गई आइए अपना लेटर लीजिए तो आपको वहाँ से लेटर उठाना है उसको आना है जेराक्स करवाना है जेराक्स करवाने के बाद जहाँ आपकी टीचिंग लगी है वहाँ पे जाना है आपकी जिस दिन से टीचिंग लगी होगी अगर आपकी टीचिंग अट्ठाईस तारीख से लगी हुई है तो आपको उसी दिन से लगवानी है बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल बहुत अकड़ू टाइप के होते हैं तो वो जो है उस दिन से नहीं लगाते हैं आप अगर दो दिन बाद गए तो आप जिस दिन से गए हो उस दिन से लगाते हैं तो ये भी थोड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है बहुत सारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे होते हैं और आप जो कहते वो मान भी जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अजीब से होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा तो क्या होता है कि वो आप अगर अट्ठाईस से गए हो और अट्ठाईस से ही अपनी टीचिंग लगवाएंगे क्योंकि अट्ठाईस से लेके एक टाइम पीरियड उसमें लिखा रहता है कि आपकी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक तो आपकी लगी रहेगी लेटर में बात तो बखूबी लिखी रहती है आपकी तो एक काम तो ये करना है कि आपको उसी दिन पहुंच जाना ताकि कोई खिचकिच ना हो और आपका टाइम से अच्छा सा हो जाए अगर आप लेट भी गए हो एक दो दिन लेट गए हो नहीं जा पाए किसी कारण में तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी उसी दिन से लगवाओ तो उससे क्या होगा कि आपकी टीचिंग सभी बच्चों के टाइम पे एक साथ पूरी होगी एग्जाम तो सबके टाइम पे ही होंगे लेकिन आपका वैसा होगा ना कि अरे उनका पूरा हो गया मेरा नहीं पूरा हुआ तो ये सब भी थोड़ी तो दिक्कत रहती है तो थोड़ा तो तो देख लीजिएगा ठीक है अब आप टाइम पे अपना कल जमा कर दिए जमा करने के बाद क्या होगा कि आपको मैम वहाँ पे जो रहेंगे या सर जो भी रहेंगे वो एक अटेंडेंस का रजिस्टर बनाएंगे उसमें आपका नाम लिख देंगे और भी बच्चे वहाँ पे तमाम विद्यालय के रहेंगे वो उनकी भी टीचिंग चलती रहेगी आपकी टीचिंग के दौरान कई लोगों से फ्रेंडशिप भी हो जाएगी वहाँ पर लोग मिलते हैं बच्चे आते हैं अलग अलग विद्यालय के तो वो सबके साथ आपको टीचिंग करनी रहेगी फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप एक महीने पूरा पढ़ाएंगे टीचिंग की जो फाइल है कुछ बच्चे ने पूछा था मैम कहाँ बनानी वहाँ पे भी आप बना सकते हो अगर आपको से बच्चे जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चे टीचिंग जब लगी हुई थी तो लोग वहाँ पे बनाते थे जबकि खाली थे लेकिन अब बच्चे आएंगे तो आपको वक्त नहीं मिलेगा तो आप अच्छे से फोकस करके चीज़ों को बना नहीं पाओगे क्योंकि वो चेक होती है तो ये मान के चलिए कि आप घर पर ही आराम से बैठ के बनाई ज़्यादा अच्छा रहेगा इतना सब कुछ लेके वहाँ जाना फिर बनाना करना दिक्कत होगी तो अगर आप मैनेज करते हैं तो वहाँ पर बना सकते हैं कोई मना ही नहीं रहे लेकिन फिर भी आप एक बार पूछ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं वो डांटने लगते हैं कि यहाँ पे आप टीचिंग करने आए हो अपना काम कर रहे हो पर्सनल काम कर रहे हो तो ये सब भी एक इशू देखने को मिला हुआ है जो जो चीजें हुई हैं होती हैं, वो सब बता रही हूँ आपको बहुत सारे स्कूल बहुत टाइट टाइप के रहते हैं उनका मतलब अलग अलग सा ही रहता है और बहुत सारे लोग बहुत ईजिली वे में रहते हैं बच्चों को सोचते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं बच्चे सीखने आए हैं ठीक है करने तो कर रहे हैं तो ऐसा भी देखने को मिला है तो फिर आप जाइए तीस दिन अपना पढ़ाइए सारा चीज वहाँ पे करिए इंटर्नशिप फाइल अपनी बनाए रहिए ये सारा चीज आपको तुरंत कर लेना है पूरे तीस दिन के दौरान और एक बात बच्चों में ये आई हुई थी कि क्या मतलब जो संडे है वो काउंट होता है कि संडे नहीं काउंट होता है ये ध्यान रखिएगा टीचिंग में संडे नहीं काउंट होता और टीचिंग में जो छुट्टियां होती वो भी काउंट नहीं होती इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी टीचिंग लग रही है तो होली की छुट्टी होगी तीन चार दिन की तो वो काउंट नहीं होगी जो संडे होगा वो भी काउंट नहीं होगा तो इस ध्यान इस बात के दौरान ध्यान रखिएगा जब आप अटेंडेंस शीट बनवाइएगा तो जहाँ पर है वो सब चीज़ वहाँ पर आप अपना जो है सनडे छुट्टी जो है उसको फिल करिएगा अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी गलत हो जाएगी ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि छुट्टियाँ जो है वो नहीं काउंट होती हैं उस दिन में तो एक बात तो आपकी ये क्लियर होगी दूसरा आप वहाँ पर ऐसे जाइए अपना एक महीने का पूरा टाइम पीरियड पूरा करिए टीचिंग फाइल आप वहाँ से लीजिए और अपना सारा प्रोसेस एडिस्ज जा, करते जाइए और अच्छे से पढ़ाइए अपने आप को आंकलन भी करिए कि आप पढ़ा सकते हो बच्चों को मैनेज कर सकते हो कैसे यहाँ पे बच्चे हैं क्या है सब कुछ आपको देखना है बहुत अच्छा है मेरी मानिएगा तो आप डिलेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई भी बच्चा इस चीज़ को एकदम नेगलेक्ट या मजाक में मत लेना कह रहे हो जाएगा जुगाड़ है हो जाएगा जुगाड़ वाला रास्ता मत दूड़िए रास्ते से रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को करिए तो वो आपको अच्छी भी रहेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी आप एक बार कर लो मेरी मानो आप हर चीज़ को एक बार अच्छे से कर लो तो सही रहेगा ठीक है बात क्लियर हुआ अब आप दूसरा देखिए क्या इंटर्नशिप लेटर के दौरान कोई अगर कोई भी विद्यालय आपसे दो सौ चार सौ पाँच सौ कुछ भी रुपए ले रहा है तो आप सारे बच्चे मिलकर उसके लिए कंप्लेन करिए बिल्कुल भी एक भी रुपये कहीं नहीं लिया जाता है प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कहीं भी नहीं कोई भी इंटर्नशिप का जो लेटर टीचिंग का लेटर होता है उसका एक भी रुपए का को, कोई चार्ज नहीं होता है मत दीजिएगा सारे बच्चे उसका ऑब्जेक्शन करिएगा अगर एक दो ने दे दिया फिर सबको देना पड़ेगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई चार्ज नहीं लगता है दूसरा आप देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए इंटर्नशिप के दौरान प्राथमिक विद्यालय से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है आपकी जब तीस दिन की टीचिंग पूरी हो गई आप जा रहे हो तो आपको तीस दिन ये जो पूरे हुए हैं लास्ट दिन आपको क्या क्या लेना है तो आपको मैं बता दूँ देखिए डॉक्यूमेंट में आपको टीचिंग का लेटर एक लेटर आपके पास रहेगा एक आपके प्राथमिक विद्यालय में जमा होगा फिर आप इसी पे प्राथमिक विद्यालय की जो मैम रहेंगी उनकी साइन और उस विद्यालय का मोहर उस लेटर पे करवा के आपको अपने कॉलेज में ले जाके जमा करना है याद रखिएगा मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो टीचिंग लेटर आप एक आपके पास एक वहाँ जमा होगा एक आपके पास फोटो कॉपी और रहेगी जहाँ आपकी टीचिंग लगी रहेगी वहाँ की जो प्रिंसिपल है मैम सर जो भी रहेंगे उनकी साइन और उनका मोहर जो रहेगा वो लेके अपने कॉलेज में दोबारा जाके जमा करना है ठीक है बात क्लियर रही तो ये रहा टीचिंग लेटर का रोल कि क्या है ये दूसरा अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो कापी अगर मैम वहाँ पर रजिस्टर बनाई है और तो आप उनसे मांग लीजिए एक दिन के लिए जाइए उसको फोटो कापी करवा के जेराक्स करवाइए उसकी फ़ोटो कापी दो पन्ने की निकलेगी और आप अपने साथ उसको भी लेके जाइए अदरवाइज़ बहुत जगह मैम लोग वो सर लोग इसको नहीं देते हैं तो आप एक कॉपी ले लीजिए पाँच दस रुपये की छोटी वाली रजिस्टर टाइप की जो आती है और उसमें आप डे वाइज कॉलम वाइज पूरी अटेंडेंस शीट खुद बना लीजिए और ले जा आप अगर चाहिए तो फोटो कापी करवा के जमा करवा दे वरना वो कॉपी जमा कर दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं दोनों सही है ठीक है बात तो दो ये क्लियर हो गया तीसरा आपको इंटर्नशिप चेकड फाइल लेनी है इंटर्नशिप की जो आपको फाइल है जो दस क्वेश्चन आपको मिले हैं इंटर्नशिप के फॉर्मेट में जिसमें आपको अंक लेना है, है सौ नंबर जो अपने लेने हैं उसमें दस क्वेश्चन दिया है वही दस क्वेश्चन की आपको फाइल बनानी है तो ये आप चेक करवा के वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगी या सर रहेंगे जो भी रहेंगे उनसे आप चेक करवा के सब पे साइन ले सब पे मोहर ले आप इसको भी अपने कॉलेज में ले जा दोबारा जमा करेंगे ठीक है बात क्लियर है नो डाउट अब चौथा और लास्ट पॉइंट आज का डॉक्यूमेंट में ये है कि इंटर्नशिप नंबर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आपको लेना है अपने प्राथमिक विद्यालय से जहाँ आपकी टीचिंग लगी रही फिर ले जा अपने विद्यालय अपने कॉलेज में इसको जमा करना है अब आपको मैं वो अंक पत्र दिखा दूँ ये रहा आपका वो अंक पत्र प्रथम सेमेस्टर के इंटर्नशिप विषय के लिए विद्यालय का अवलोकन एवं अध्ययन आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो देखिए टोटल दस आपको दिया हुआ है देख रहे हैं आप दस क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन दस नंबर का है आपको अब जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी वहाँ पे ये अंक पत्र जिस दिन आपकी टीचिंग ख़त्म रहती है एकदम लास्ट है उस दिन आप टीचिंग की फाइल अपनी लेके जाइए और ये अंक पत्र लेके जाइए आपके जितने हाव भाव रहेंगे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वहाँ के जो सर प्रिंसिपल रहेंगे वो उनको जैसा लगेगा वो उसी के हिसाब से नंबर देते हैं इस बात का बहुत ही ध्यान आप रखिएगा कि आपको सभी में दस 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 जितने नंबर हैं दस में से दस दस में से दस टोटल आपको यहाँ पे सौ नंबर लेना है ये सौ नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह पे नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट ये सब नंबर देते हैं लेकिन आपको अगर ये मिल रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए उनसे कि मैम पूरा नंबर दे दीजिए प्लीज़ मैम पूरा नंबर दे क्यों दे दीजिए क्योंकि यही नंबर जो वहाँ से आपको मिलेगा वही हु बहु आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में चढ़ा दिया जाएगा तो आप कम से कम जो पेपर लिखोगे वो नंबर और जो आपको प्रैक्टिकल आपका रहेगा वो नंबर तो कम से कम जो नंबर आपके टीचरों के हाथ में आप उसको हर कीमत में अपने व्यवहार से अपने पढ़ाई से उसको अच्छा ले लीजिए पूरा ले लीजिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैसे कैसे नंबर दिए हुए हैं तो पहला देखिए यहाँ पे कक्षा अवलोकन शिक्षण विधि दस नंबर की है आपको यह बनाना है सब कुछ अच्छे से इंटर्नशिप वाली फाइल में तो दस नंबर आपको लेना है फिर छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना है तो ये भी पूरे नंबर लेने हैं प्रयोग द्वारा किए जा रहे टेलम का विवरण एवं समालोचना है ये भी आपको करना है रिमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना के दस नंबर आपको है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करनी है उसके लिए दस नंबर है शैक्षिक गतिविधि का क्रियान्वयन अभिलेख है तो वो भी दस नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विद्यालय अभिलेख का विवरण है रख है सब दस नंबर का है अभिलेख तैयार करना है दस नंबर का है पाठ सगामी क्रियाएँ भी दस नंबर के है सामुदायिक सहभागिता के जो है वो भी दस नंबर का है तो आपको ये टोटल मिला के सौ नंबर के अंक पत्र हैं आपको इनको पूरे में पूरा नंबर लेना जितना नंबर आप इसमें पूरा पाए रहेंगे उतना आपके वहाँ पे चढ़ेगा तो इसलिए आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखिएगा सब कुछ पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से टाइम पे जाइएगा भी कोई नाराजगी नहीं रहेगी तो आपको पूरा नंबर मिलेगा तो ये सारी एक स्टोरी है जो इंटर्नशिप के पीछे होती है ठीक है बात क्लियर है मैंने आपको समझा दिया कि क्या है कैसे करना है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करके बताएँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं